हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दिवाली डेकोरेटिंग आइडियाज़। वैसे तो दिवाली में ढेर सारे काम रहते हैं, लेकिन अगर आप अपने घर को एक फेस्टिव लुक देना चाहते हैं और बहुत सारा टाइम सेव करना चाहते हैं बाकी की प्रिपरेशन के लिए, तो ये जो कुछ आइडियाज़ है वो आप पहले से ही करके रखेंगे तो घर को एक फेस्टिव लुक भी दे पाएंगे और बहुत सारा टाइम भी सेव कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लिविंग रूम से। लिविंग रूम में सबसे पहले बात आती है सोफ़ा की। सोफ़ा को एक फेस्टिव लुक देना है तो चेंज करने पड़ेंगे इसके कुशन कवर्स। और कुशन कवर्स चेंज करने के लिए आपको बाज़ार में बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पे मैंने अमेज़ॉन से ये कुशन कवर्स मंगाए हैं। ये ब्राइटनेस के साथ थोड़ा फेस्टिव लुक भी देंगे मेरे लिविंग रूम को। तो चलिए देखते हैं किस तरह से मैंने इनको यूज़ किया है लिविंग रूम का लुक चेंज करने के लिए। सो फ्रेंड्स, ये कुशन कवर ऐड करने के बाद मेरा सोफा जो है पूरी तरह से चेंज हो गया है और एक फेस्टिव लुक मेरे लिविंग रूम में आ गया है। बहुत ही फ्रेश फीलिंग आ रही है, एक फेस्टिव फीलिंग आ रही है। नेक्स्ट, मार्केट में इस तरह के आर्टिफिशियल फ्लावर्स के हैंगिंग मिलते हैं, इसको आप बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। डाइनिंग टेबल को एक फेस्टिव लुक देने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मेरा एक दुपट्टा जो कि एथनिक है, हेवी वर्क में है। तो टेबल एज अ टेबल रनर मैंने इस दुपट्टे का यूज़ किया है। और उसके बाद मैंने लिए हैं डेजर्ट बाउल्स, और इस बाउल को मैंने इस रनर के ऊपर रख दिया है और इस इनका यूज़ करके मैंने एक फेस्टिव लुक क्रिएट किया है। ये लुक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से चेंजेस करने के बाद ये डेकोरेशन ऐसे लग रहा था। ये डेकोरेशन का आइडिया आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपने ये लुक ट्राई किया तो ये लुक मेरे साथ इंस्टाग्राम पे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। डाइनिंग टेबल के आगे जो क्रॉकरी यूनिट है उसको एक फेस्टिव लुक देने के लिए मैंने अगेन यहाँ पे एक दुपट्टा यूज़ किया है। उसके ऊपर बिछा के मैंने जो चीज़ें अवेलेबल थी मेरे घर में उनका यूज़ करके इसको भी एक फेस्टिव लुक देने की कोशिश की है। तो ये भी लुक आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सेंटर टेबल को एक फेस्टिव लुक देने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है एक उर्ली का, जिसे मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है। लास्ट ईयर मैंने एक बाउल का यूज़ किया था। लास्ट ईयर का दिवाली डेकोरेशन आइडियाज़ का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और आप चेक कर सकते। और अगर आप इस उर्ली को परचेस करना चाह रहे हैं तो इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो इस तरह से मैंने उर्ली को डेकोरेट कर लिया। इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी और इसके अंदर मैं रोज़ फ्रेश फ्लावर्स डालती जाऊंगी, क्योंकि मेरे बैकयार्ड में बहुत सारे पेड़ हैं, उसको फ्लावर्स आते हैं। और अगर आपके घर में पौधे नहीं हैं, फ्लावर्स नहीं हैं, तो आप आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी मंगा सकते हैं। ये भी मार्केट में इजीली अवेलेबल है। इस तरह के आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी आपको अमेज़ॉन पर ईज़िली मिल जाएंगे।
फ्लावर्स ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी बैटरी ऑपरेटेड लाइट्स जो पानी में डालते ही जल जाते हैं, तो इससे भी बहुत ही अच्छा एक फेस्टिव लुक क्रिएट हो गया था। और ये लुक आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है आगे वीडियोस बनाने के लिए। एंट्रेंस को भी डेकोरेट करना ज़रूरी है, तो आप चाहे तो रियल फ्लावर से भी डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एक तोरण मंगाया था अमेज़ॉन से, इसकी वजह से 7-8 दिन तक लुक भी अच्छा रहेगा क्योंकि जो रियल फ्लावर्स है वो सूख जाते हैं जल्दी, और ये फ्लावर सूखते भी नहीं है और बहुत अच्छा एक फेस्टिव लुक घर के अंदर क्रिएट हो जाता है। तो आप देख पा रहे हैं मेरे घर का लुक किस तरह से चेंज हो गया है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने कुछ चीज़ें ऐड करके मेरे घर का लुक जो है वो चेंज किया है। ये वीडियो अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।